हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, जैसे कि अब आगे सर्दियां आने वाली हैं, तो इस टाइम हम काफ़ी सारी सब्जियां लगा सकते हैं। जैसे उनमें साग है, सरसों का साग, पालक और मेथी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आज अपने गार्डन में मेथी और सरसों का साग लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये मिट्टी तैयार करी है। ये मेरे पास पुराने बक्से थे, तो इसी के अंदर मैंने मिट्टी तैयार कर कर डाल दी है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस मिट्टी में मैंने क्या क्या मिलाया है। इस मिट्टी के अंदर जो मैंने बक्सों में भरी है, इसके अंदर मैंने गार्डन सोइल मलाई में वर्मी कंपोस्ट, पुरानी गोबर की खाद, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बालू मिलाई है, और इसके अंदर मैंने फंगस ना लगे उसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी नीम खली और फंगसाइड पाउडर मिक्स किया है। तो फ्रेंड्स, और इसके अंदर ज़्यादा वजन ना हो, सबसे नीचे मैंने इसके जो है थोड़ा सा किचन वेस्ट और जो गार्डन का ही कूड़ा होता है, जैसे ये मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये मैंने मिलाकर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, दो मैंने बक्से ये तैयार किए हैं, और एक ये टब इधर तैयार किया है, और एक टब मैंने इधर तैयार किया है। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पालक, मेथी और सरसों आप कैसे लगाएं। ये है फ्रेंड्स पीली सरसों, जिसको मैं लगाऊंगी, और ये है मेथी के बीज। ये फ्रेंड्स बहुत सस्ते मुझे मिले हैं, ये दस रुपये का पैकेट आया है, तो मैं इनको ये लगाऊंगी। ये आप किसी भी बीज भंडार से बहुत ही आसानी से लाकर लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मेथी। तो ये हैं मेथी के दाने। फ्रेंड्स, इस टाइम जो है बारिश का मौसम चल रहा है, ऑलरेडी जो ये जिसमें लगाना है वो गीली है, तो मिट्टी मैंने अच्छी तरीके से बराबर कर दी है। अब इस खुरपे की मदद से थोड़ा सा मिट्टी को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर मेथी डालेंगे, जो सीड्स हैं। इस तरीके से आप ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इनको इस तरीके से बिछा दीजिए, हल्का हल्का। ज़्यादा डालने से जब घनी हो जाती है तो मेथी अच्छी तरीके से नहीं निकलती है। दानों के जो ऊपर हैं, इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल दें, ताकि जो चिड़िया वगैरह बीज ले जाती हैं, इससे वो नहीं ले जा पाएंगी। तो इस तरीके से मैंने मेथी एक बक्से में बीज दी है। अब इसी तरीके से सारे बक्से में मेथी के दाने बीज लगाने के बाद इसको जो है अच्छी तरीके से ऊपर से कवर कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे बक्से की मिट्टी को भी अच्छी तरीके से बराबर करने के बाद जितनी मिट्टी अच्छी और दरदरी सी होगी, भुरभुरी सी, उतना ही अच्छी आपकी ये जो है सब्जी निकल कर आएगी मेथी की। इस तरीके से सेम जैसे पहले बक्से में बीजी थी मेथी, सेम उसी तरीके से अब इसमें भी इसको बीज देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसमें भी मैंने मेथी को पूरी तरीके से
बीज दिया है। अब इसको भी मिट्टी को लेकर थोड़ा सा कवर कर देंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सरसों की, सरसों को कैसे बीजना है। तो फ्रेंड्स ये है पीली सरसों, पीली सरसों को भी इसी तरीके से बीज देंगे टब के अंदर, इस वाले टब के अंदर बीजेंगे इस सरसों को। बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स आप भी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाती हूँ। मैं हर बार ये सब्जियां घर से ही अपने ले लेती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर भी मिट्टी इसी तरीके से हल्की हल्की ज़रूर डाल दें, ताकि अगर बारिश भी आए तो बीज अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। इसकी मिट्टी को भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर भी ये वाली सरसों बीज देंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी बीजने के बाद अब इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से मिट्टी को डाल देंगे, सेम वैसे ही। ये सितंबर का महीना बहुत बेस्ट महीना है, इसमें आप सब्जियां लगा सकते हैं। मैंने मेथी और सरसों लगाई है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो सरसों और मेथी कैसे लगाएं, कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।